सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने अमेरिका से $1 बिलियन की कीमत पर अपने महत्वपूर्ण शहरों के आसमान को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 को खरीदने का फैसला लिया है। और हमें मालूम है कि ये सुनने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर भारत दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि रशिया के S-400 सिस्टम को खरीद रहा है और साथ ही भारत का खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम भी अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, तो फिर आखिर क्यों भारत अमेरिका से एक और एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। तो आज के एपिसोड में हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्या है। तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग ग्रुपन यानी KOG की सहायक कंपनी कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अमेरिकन कंपनी रेथियन के साथ संयुक्त रूप से डिजाइन किया है। लेकिन इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया गया है केवल नॉर्वे की कॉन्ग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा और इस सिस्टम को नॉर्वे ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है और इसे शॉर्ट फॉर्म में NASAMS सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत ने इस सिस्टम के एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन यानी कि NASAMS 2 को खरीदने का फैसला लिया है। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो एक कंप्लीट NASAMS 2 सिस्टम में 12 मिसाइल लॉन्चर्स हैं और हर एक लॉन्चर 6 AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम में 8 रडार्स हैं जिन्हें अमेरिका ने विकसित किया है और इनका नाम है MPQ-64 सेंटिनल रडार। और इस सिस्टम में एक फायर कंट्रोल सेंटर, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा व्हीकल और एक टैक्टिकल कंट्रोल सेल व्हीकल भी शामिल है। और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर है। और मौजूदा समय में इस एडवांस NASAMS 2 सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा फिनलैंड, नेदरलैंड, स्पेन, ओमान और चिली जैसे देश भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल चिली को इसके ऑफिशियल यूजर के तौर पर नहीं गिना जाता है। और इन देशों के अलावा एक देश और है जो इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इस देश के बारे में कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बावजूद इस NASAMS 2 सिस्टम को क्यों खरीदना चाहता है जो कि कैपेबिलिटीज के मामले में S-400 सिस्टम से काफी पीछे है। तो भारत इस NASAMS 2 सिस्टम को खास तौर पर इसलिए खरीद रहा है ताकि वे भारत की राजधानी दिल्ली और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण शहर जैसे कि मुंबई और कोलकाता को सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी ये सिस्टम इन शहरों को दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे हवाई हमलों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और अमेरिका जैसा देश खुद अपने सबसे महत्वपूर्ण शहर यानी कि अपनी राजधानी वॉशिंगटन DC की सुरक्षा के लिए इसी NASAMS 2 सिस्टम का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही तेजी से मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और शूट करने में सक्षम है। और इस सिस्टम में जिस सेंटिनल रडार का इस्तेमाल किया गया है वो एक ब्रॉड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाली रडार है। यानी ये रडार बड़ी आसानी से तेजी से मूव कर रहे किसी भी टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है। और इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक मॉड्यूल टारगेट की पोजीशन को अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। यानी ये सिस्टम इसकी रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट को अपने आप ही डिटेक्ट करके उसे मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाता है और फिर मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट उस टारगेट का डेटा मिसाइल फायरिंग यूनिट को भेजती है ताकि उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया का S-400 सिस्टम और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। S-400 सिस्टम और भारत का खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ये काम आसानी से कर सकता है। लेकिन रशिया का S-400 सिस्टम एक बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे खास तौर पर बड़े हवाई हमले जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर हम ऐसे में इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल केवल एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए करेंगे तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और इसके अलावा भारत रशिया से S-400 की केवल 5 ही रेजिमेंट्स को खरीद रहा है और भारत कोई छोटा देश तो नहीं है जहां थोड़े से एयर डिफेंस सिस्टम से इसकी सुरक्षा की जा सके। और इसीलिए S-400 सिस्टम को भारत के उन महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया जाएगा
जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल्स का ज्यादा खतरा हो, और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण शहरों की सुरक्षा के लिए इस नैसम टू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन बड़े बड़े आतंकी संगठनों के हाथ भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज लग चुकी हैं जिसकी मदद से वे किसी भी शहर में तबाही मचा सकते हैं। और अपनी सुरक्षा के लिए हम इन जैसे सिस्टम्स को जितना ज्यादा इकट्ठा कर सके उतना हमारे लिए अच्छा ही है। और आप इसको एक और बात से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल्स पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इन सभी असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स की रेंज, फायर पावर और अदर कैपेबिलिटीज को एक साइड कर दिया जाए तो आखिर में है तो एक ही चीज, और अगर इनका बेस एक ही है तो हम क्यों अलग अलग तरह के पिस्टल्स, अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का सीधा सा जवाब है कि ये अलग अलग तरह की पिस्टल्स और अलग अलग तरह की असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की कंडीशंस के अनुसार। तो हमारे कहने का बस सीधा सा मतलब यही है कि भले ही इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम का काम हवाई हमलों को रोकना है, लेकिन इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करने की कंडीशंस सबकी अलग अलग है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।